हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर फेस पैक बनाएंगे। ये फेस पैक आपकी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाएगा, साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सन टैन रिमूव कर आपकी स्किन टोन को इवन बनाएगा, साथ ही आपके एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करेगा। प्लस ये फेस पैक आपके फेशियल हेयर को नेचुरली रिमूव भी करेगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, इस फेस पैक को बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करूँगी वो हम सभी की किचन में अवेलेबल होते हैं। तो आइए इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। स्किन वाइटनिंग बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच बेसन लेंगे। बेसन हमारी स्किन पर एज अ क्लीजनर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करता है। साथ ही इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है और साथ ही हमारी स्किन को एक्सफोलिएट कर हमारे फेशियल हेयर को नेचुरली रिमूव भी करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है और साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट भी बनाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये हमारे सारे डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस को रिड्यूस कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 3-4 चम्मच दही यानी कि योगर्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फेस पैक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसन फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली स्प्रेड करें। और इसे इस तरह इवनली स्प्रेड करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 से 25 मिनट बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए आप इसे हल्के हाथों से रब करते हुए रिमूव करें और उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें और इसके लगभग 3-4 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा फेयर दिखाई देने लगेगा, आपके फेशियल हेयर भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, साथ ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे, आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आप भी इस मैजिकल फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।